नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा। मैं आर एस चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से सरकारी जॉब की सूचना लेकर आया हूं। जो लोग नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इंडियन नेवी में, उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया है। इस इंडियन मर्चेंट नेवी में जबरदस्त वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी है 4000। ये ऑल इंडिया लेवल की है, ऑल ओवर इंडिया इसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये जो स्टार्ट हुई है 11 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 30 अप्रैल 2024 तक इसमें चलेगा। आप इसका रजिस्ट्रेशन या अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। आप इनकी वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.seal-anemaritime.in। दोबारा से बोलता हूं, आप नोट कर लीजिए, www.seal-anemaritime.in। यानी seal-anemaritime.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब इस पर जाएंगे तो यहाँ आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। क्योंकि इंडियन मर्चेंट नेवी में जो भी वैकेंसियां निकलती हैं उनका प्लेसमेंट 100% होता है। इनका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो इनका मई 2024 में होगा, यानी 30 अप्रैल 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मई में इनका एग्जाम होगा और जो रिजल्ट है इनका वो एग्जाम के ठीक 3 दिन के बाद इनका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें जो एज लिमिट इन्होंने दी है वो है 17 साल, यानी 17.50 17.5 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो एज है इनकी वो 27 वर्ष है। यानी 17.5 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने 12वीं और 10वीं रखी है, यानी 10वीं 12वीं करने के साथ साथ अगर आपने ITI कोर्स भी किया है तो उनको जल्दी चांस मिलेगा, क्योंकि कुछ पोस्टें इसमें ऐसी हैं जिनमें ITI की जरूरत पड़ेगी। तो जिन्होंने ITI कर रखी है 10वीं और 12वीं के साथ साथ, उनको सोने पर सुहागा होगा। इन्होंने जो पोस्ट निकाली हैं वो आप नोट कर लीजिए, डैक रेटिंग 721 पोस्ट है, इंजन रेटिंग 236 पोस्ट है, सीमैन रेटिंग 1432 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 408 पोस्ट है, वेल्डर या हेल्पर की 78 पोस्टें हैं, और मैस बॉय की 922 पोस्टें हैं, और कुक यानी खाना पकाने वाले की 203 पोस्ट है। टोटल मिलाकर के जो पोस्टें हैं वो है 4000। इसमें आपका जो एग्जाम होगा वो आप नोट कर लीजिए, रिटर्न एग्जाम जनरल अवेयरनेस का होगा जिसके 25 मार्क होंगे, साइंस नॉलेज का एग्जाम होगा उसके भी 25 मार्क होंगे, इंग्लिश नॉलेज का जो एग्जाम होगा उसके भी 25 मार्क होंगे, और एप्टीट्यूड या रीजनिंग के भी एग्जाम होगा उसका भी आपका 25 मार्क होंगे। जिस सेंटर में ये एग्जाम होंगे उस स्टेट वाइज इन्होंने रखे हैं वो आप नोट कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश
यहाँ से कोई अप्लाई करता है तो उसका लखनऊ या गोरखपुर में उसका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र से अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसका जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा रांची या लखनऊ। अगर किसी ने आसाम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से अप्लाई किया है तो उसका सेंटर पड़ेगा गुवाहाटी या लखनऊ। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से अगर किसी ने किया है तो उसका लखनऊ में पड़ेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड से अगर कोई करता है अप्लाई तो उसका एग्जाम सेंटर भी लखनऊ में ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडियन मर्चेंट नेवी में, यानी जो बच्चे नेवी में, नेवी भी एक फोर्स होती है हमारी, जो फौज है, इंडियन फोर्स की तरह ही नेवी भी एक फोर्स है जो समुद्र में अपने भारत देश की रक्षा करती है। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो वहां आपके लिए ये चांस बहुत अच्छा सुनहरा आया है। आप इसमें अपना करियर बनाना चाहें तो आप इसमें बना सकते हैं। इंडियन मर्चेंट नेवी हिंदुस्तान की व्हाइट यूनिफॉर्म वाली फोर्स है जो समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।